एक ये क्वेश्चन है, ये कहा गया है ऊपर रिवीजन ओनली, तो रिवीजन ओनली का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है, कर लेते हैं। शायद ये क्वेश्चन आपको थोड़ा क्लियर ना भी दिखे क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ये, तो जितने भी स्टूडेंट है ना इसको, आपके पास बुक है सर, पेज नंबर 3 क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है आपका, ये 1 2 3 थर्ड है, 3.13.8 पेज नंबर भी लिख देते हैं। चलो ये पेज नंबर है हमारा 13.8 पे, ठीक है। तो चलिए फटाफट फॉर्मेट बना लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, 20% कंप्यूटर पे फॉर्मेट हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज जो बताया था किस पे है, इनवॉइस प्राइस पे। आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, क्लियर होना चाहिए कि सर क्या पढ़ेंगे आगे, इसलिए स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया। यह है ब्रांच अकाउंट, बहुत छोटा चैप्टर है ये, जल्दी खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस आपने करनी है बस। और अब मैं ये है आपका कौन सा है ये अकाउंट, डेटर अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए 1 अप्रैल को कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं हमें, तो मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख लूँ, आप बताते जाइएगा क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमारा ब्रांच स्टॉक, बताइए क्या है स्टॉक, आप सभी के पास किताब है 378। नाउ अगला क्या है हमारा, डेटर, तो डेटर यहां पे लिखो कितने हैं, 1,35,000, और ये चूंकि ओपनिंग बैलेंस है तो यहां भी आएगा ये, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर 45,000, इसके बाद ब्रांच का बैंक अकाउंट, तो बैंक भी एसेट्स है हमारा, कितने, 650। इसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसके बारे में डिटेल है, कहता है ब्रांच का क्या कहता है, अच्छा बैलेंसेस निकालने हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं, डेटर का निकालो, ब्रांच बैंक का निकालो, पर्सनल कंप्यूटर का निकालो, वो तो जब निकालेंगे नहीं तो होगा नहीं यहां, यानी बाय क्लोजिंग, ठीक है, जब जैसे जैसे निकलेगा निकाल लेंगे। आगे कहता है आपका ट्रांजेक्शन एट ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल के दौरान में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं। पहला कहता है गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच, तो गुड्स सेंट, सेवन। आगे क्या कहता है, गुड्स रिटर्न, तो बाय 15,000। कैश सेल्स कहता है एंड पेड इनटू बैंक, ध्यान रखिएगा कैश जमा करके हमने इसको नहीं दिया, बैंक में जमा किया, तो हम इसके लिए ना एक सिंपल सा बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं। बैंक आपका एसेट्स होता है, एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले बैंक में आ जाएगा टू बैलेंस, तो इस ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा था 9,650, और पैसे बैंक में किससे आए, कैश सेल्स करके, कितने आए कैश सेल्स करके, यही लिखेंगे सर। यहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां भेजा ही नहीं है, रेमिटेंस में तो वो पैसा आएगा जो भेजा जाए, ठीक
इसके बाद क्या आता है, क्रेडिट सेल्स कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट सेल्स कितने रुपए का है, क्रेडिट सेल्स 825। इसके बाद क्या है, सेल्स रिटर्न बाय, सेल्स रिटर्न कितने रुपए है 37,500। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑन क्रेडिट सेल्स यानी बाय बैंक कितने रुपए रिसीव कर लिए 845। नाउ यहां पे आ जाएगा टू क्रेडिट सेल से यानी डेटर से पैसा आया 845। ध्यान रखिएगा इस बात को, एक जीरो आ रहा है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आगे कहते हैं डिस्काउंट अलाउड कहां जाएगा, कितने रुपए 7,800। आगे बैड डेट्स यहीं जाएगा 1,500। आगे कहता है हमारा अमाउंट ट्रांसफर टू ब्रांच फ्रॉम ब्रांच से, तो सर ये है रेमिटेंस में, अमाउंट रिसीव कितने रिसीव करें बैंक से भेजे इसने 8,00,000। तो आप सिंपल सी बात समझो कि मैंने 8,95 भेज दिया तो बैंक कम हो जाएगा ब्रांच के नाम से, समझ में आया ये बात। पहले देखो, पहले लाइन क्या कहता है, एग्रीगेट अमाउंट, एग्रीगेट का मतलब इकट्ठा किया अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी एग्रीगेट अमाउंट कैश ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच बैंक यानी मैंने ब्रांच बैंक से इतने पैसे ट्रांसफर किए, तो किसको ट्रांसफर किए हैं, टू एचओ बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर मंथ वाइज बेसिस, ठीक है। तो जितने भी पैसे हमारे पास इकट्ठे हुए पहले हमने बैंक में रखे और बैंक में रखने के बाद इकट्ठा पैसा भेज दिया, तो जब हमारे बैंक में पैसे रख रहे थे तो डेबिट 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 हो रहा था, बढ़ रहा था, और जैसे ही हम अपने हेड ऑफिस को भेजेंगे तो हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा, तो इसलिए बाय में चली गई और ये यहाँ आ गया, समझ में आया। आगे कहता है रेंट एंड रेट्स कितने हैं, वेजेस 45,000, वेजेस क्या, जनरल एक्सपेंस 45,000। आगे कहता है ट्रांजेक्शन एट हेड ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, ये जो ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं ये सभी ब्रांच ने किए हैं, हेड ऑफिस ने नहीं दिए इसके, जैसे गुड्स ट्रांसफर ठीक है सर अबव, ये भी अबव, कैश रिसीव भी जैसे अबव है, और सैलरी ऑफ ब्रांच स्टाफ 1,52,500 ये भी किसने दिए हैं, ये इसके नीचे जितने भी ट्रांजेक्शन हैं ये ट्रांजेक्शन कौन कर रहा है साहब, तो ये 1,52,500 रुपए खर्च हुए हैं ये भी किसने दिए होंगे, तो ब्रांच ने दिए होंगे, तो उसका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, ये देखो समझ में आया, ये यहां नहीं आएगा क्योंकि ये खर्चा कौन पेड कर रहा है, ब्रांच कर रहा है, जो वो यहां पे वही खर्चा आता है जो कौन करता है, हेड ऑफिस, कैसे पता चला, क्लियरली मेंशन है, ठीक है। नीचे कहता है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 20% पर्सनल कंप्यूटर पे, तो जो मेरा यहाँ कंप्यूटर बचेगा था कितने का 45,000, उस पर 20% निकालोगे 45,000 पे तो 9,000, तो सिंपल सी बात है सर 45,000 का कंप्यूटर है उस पर 9,000 का डेप लग जाएगा तो बचेगा कितना 35,36,000। अब बस टोटलिंग का काम रह गया, यहां से टोटल करके किसका बैलेंस निकल जाएगा, कैश का कितना, 96,50, 1,56,000, 8,45,000 माइनस 101, जीरो सिक्स फाइव जीरो माइनस 8,95,000 माइनस 1,52,500, ये बच गया 36,850 बाय बैलेंस, और यही आ जाएगा बैंक, ठीक है। इसके बाद किसका टोटल करें, डेटर
ये आ गया 96,960,500। बाय बैलेंस सीडी -845 -3750 -7800 -1500, ये आ गया 12,450। तो यहाँ आ जाएगा डेटर 102। किस किस के आगे क्वेश्चन मार्क था? डेटर भी ढूंढ लिया, बैंक भी ढूंढ लिया और पर्सनल कंप्यूटर भी ढूंढ लिया। स्टॉक भी था क्या? तो स्टॉक का तो क्लोजिंग देना चाहिए इनको 270, ध्यान नहीं दिया तो ये आ जाएगा ना स्टॉक 270। ठीक है, इस अकाउंट का भी यूज हो गया। सर इस अकाउंट में से सिर्फ यूज क्या करा? सीडी। अगर आपको बैलेंस सीडी दे देता तो जरूरत ही नहीं थी अकाउंट बनाने को। और इस अकाउंट से भी यूज क्या करा? सिर्फ बैलेंस सीडी। अगर आपको बैलेंस सीडी दे देता तो ये भी जरूरत नहीं था। तो देखो मैंने पीछे जो अकाउंट में लिखा है कि कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, उसके अंदर एक अकाउंट और ऐड कर देते हैं, दैट इज मैंने ये तो बताया ही था, और समहाउ एक बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। लेकिन मैंडेटरी तो सिर्फ यही है, बाकी के जितने अकाउंट्स है बन भी सकते हैं और नहीं, डिपेंड ऑन कि उसके अंदर से कोई इंफॉर्मेशन हम यूज कर पाएंगे निकाल के। अगर हमारा कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, जैसे डेटर में से क्लोजिंग बैलेंस अगर हमें पहले ही दे रखा है तो जरूरत नहीं है, और कैश रिसीप पहले ही दे रखा है तो जरूरत ही नहीं है, कैश अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बैंक का दे रखा है तो जरूरत नहीं है बनाने की। ठीक है ना सर, इसमें ऑलवेज टू अकाउंट्स बनेंगे, ऐसा नहीं है कि दो अकाउंट बनेंगे हमेशा, रिक्वायरमेंट पे है। जैसे कि फर्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था, लास्ट वाली क्लास में, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि हमने एक ही अकाउंट बनाए थे, ये वाला मैंने काट दिया था क्योंकि इसमें सारी जानकारी गिवन थी। ठीक है ना, इसके बाद आज जो दूसरा करा उसमें जरूरत पड़ गया था क्लोजिंग बैलेंस निकालने को। तो 378, 1,35,500, 45,000, 96,50, 568, 150। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं और यही टोटल इधर आ जाएगा 9,895, 15,000, 37,000, ये आ गया 13,55,300, इधर क्या आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट। सर -568,150, 762, 56,000 और 76,30, ये आ गया लॉस आ रहा है इसमें देखो। हाँ एक मिनट, ट्रांजेक्शन एट ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांजेक्शन एट हेड ऑफिस, अच्छा हमने गलत पढ़ लिया। इसके अंदर कहता है ये वाला ट्रांजेक्शन ब्रांच ने करा है और ये ट्रांजेक्शन हेड ऑफिस ने किया है ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रांच। चलो बैंक अकाउंट मिसमैच है तो इसका मतलब, चलो मैं दोबारा लाइन पढ़ देता हूं ना, यहां कहता है ट्रांजेक्शन एट ब्रांच, ये ब्रांच ने किए हैं, हमने उल्टा पढ़ लिया इसको, और ये ट्रांजेक्शन करें किसने? हेड ऑफिस ने ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रांच। तो यहां पे ये सब इधर शिफ्ट करना है। चलो इसमें से सैलरी डिलीट मार दे, बस सैलरी तो डिलीट होगा, और ये पूरा एज इट इज उठा लेते हैं। आएगा क्या यहां? ये भी चेंज हो जाएगा,
सिर्फ रेंट आ जाएगा है ना, रेंट नहीं सैलरी। एक बावन 500। अब यहाँ पे सीडी कुछ और आएगा, 101,0650 माइनस 56,000, 45,000 और 76,30, 7,020। तो ये भी अलग हो गया, 7,020। तो साहब ये भी अलग हो गया, फिर भी इसमें तो लॉस ही आ रहा है क्या, क्योंकि इतना अमाउंट तो आ नहीं रहा। तो चलो 56,81,50, 7,62,000, 52,500, 14,82,650 से तो बहुत ज़्यादा आ गया, 7,5,12,13, 14,82,650, 14,82, सबको माइनस कर रहे थे, माइनस 36,150, लॉस आ गया 157,180। इधर लिख देता हूँ, चेक करिए 157,180 यही आ रहा है, ठीक है। तो सर इस क्वेश्चन में भाई जो बच्चे लाइव हैं वो भी एक बार एरर चेक करा करिए कि क्या आ रहा है। सौरभ, सृष्टि, शालिनी, शशि, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं, पहले तो देखो मैंने इसके कितने क्वेश्चन किए हैं, 3। ये तीनों पहले आपने सेल्फ करने हैं, तभी आपको आगे चैप्टर आएगा, क्योंकि आएगा आईपी प्राइस आएगा, और मेरे ख्याल 10 तक के क्वेश्चंस आईपी प्राइस के हैं, 10 से 12 तक के। उसके बाद स्टॉक डेटर सिस्टम स्टार्ट होगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, ठीक है ना। डिपार्टमेंटल भी इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, और लीज एक बड़ा चैप्टर ही मान लो वो हो गया। फाइनल अकाउंट एनपीओ सबसे लास्ट में करेंगे हम, वो टॉपिक बुक के हिसाब से नहीं रह रहा एक्स्ट्रा। हाँ तो एक बार फटाफट से इसको भी करिए, नोट करना है ना।